हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनोज कुमार मीणा। आई एम वर्किंग एज लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दोसा। दोस्तों, हम लोगों का जो पिछले दो वीडियो थे उसमें हम लोगों ने समझा था कि क्लैम्पर सर्किट क्या होता है और नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को याद है कि जो हमारा क्लैम्पर सर्किट था उसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते थे। डीसी इंसर्टर सर्किट ही बोलते थे, अर्थात ये ऐसा सर्किट जो डीसी को इंसर्ट करता है। जो हमारा एसी इनपुट सिग्नल था, एसी जो हमारा सिग्नल था उसमें डीसी को ऐड कर देगा। इसको डीसी रिस्टोरर सर्किट ही बोलते हैं। ये अलग अलग नाम है, आप लोगों की जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुए तो उसमें अलग अलग नाम से पूछ सकते हैं इसको, और कोई कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी आ सकता है। अब हमारा जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें तीन चार का तीन कंपोनेंट थे। एक कैपेसिटेंस था, एक हमारा डायोड था और एक हमारा रेजिस्टेंस था। और हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी कि जो हमारा जैसे नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट है, ये टी इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज कोई रहेगा नहीं, और उसके बाद में कैपेसिटेंस फटाफट चार्ज हो जाएगा और उसके बाद कैपेसिटेंस बैटरी की तरह काम करेगा। कैपेसिटेंस बैटरी की तरह काम करेगा और हमारा जो डायोड है ये ऑफ हो जाएगा। ये इसके बारे में और हम लोगों ने आउटपुट निकाला था VG बराबर VI माइनस VC, और इसकी वैल्यू एक पूरा नेगेटिव डायरेक्शन शिफ्ट हो गई थी। तो इतना हम लोग नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट में चर्चा कर चुके हैं। और क्लैम्पर सर्किट की ज़रूरत क्या थी तो ये आप लोगों ने विस्तार से इसमें देखा ही था कि BJT के बारे में देख लिया था किस क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। अब देखो दोस्तों, आज का हम लोग जो पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट है उसके बारे में देखेंगे कि हम लोगों ने जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा पॉजिटिव क्लैम्पर है, ये इसका मीनिंग होता है कि हमारा जो ये जो हमारा डीसी सिग्नल है, जो हमारा एसी सिग्नल है, इसको शिफ्ट करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में। आप लोगों को एक मैं छोटा सा शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे डायोड की दिशा इसमें क्या है, नीचे PCN नीचे है, तो ये क्या होगा, एक तरीके से नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट होगा। तो ये हमारा जो सिग्नल था उसको नीचे शिफ्ट कर देगा, जैसा कि देखा कि नीचे शिफ्ट कर दिया है नीचे। ये डायोड की दिशा इसमें देखो, डायोड की दिशा इसमें ऊपर है, तो इसको ये ऊपर शिफ्ट कर देगा, इसको ये ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो इसमें इसमें हमारा जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल कैपेसिटेंस डज नॉट चार्ज बिकॉज डायोड इज ओपन सर्किट। तो हमारा जो फर्स्ट हाफ है उसमें हमारा कैपेसिटेंस चार्ज नहीं हुआ क्योंकि हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस केस में हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ और हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू होगी V0 बराबर PI माइनस VM। अब हम लोग इसमें क्या होगा, जो हमारा इनपुट सिग्नल है, जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है उसमें यदि हम VM ऐड कर देंगे तो हमारा इसके अंतर्गत हमारा हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। जो भी हमारा इनपुट वोल्टेज है उसमें हम लोगों को क्या ऐड करना है, VM। तो जैसे कि हमने देखा है कि शुरू में हमारा ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पर माइनस प्लस, शुरू पॉजिटिव हाफ में ये हो नहीं रहा पॉजिटिव हाफ में क्योंकि हमारा डायोड ऑफ हो जाएगा, और नेगेटिव हाफ में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये तरीके से हमारा आउटपुट आएगा VI VG बराबर VI माइनस VM। अर्थात हमारा इनपुट वोल्टेज में हम लोग VM ऐड कर देंगे तो हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा। तो हम लोगों ने जैसा कि देखा था कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं, V0 भी हो सकता है, VM हो सकता है, V0 माइनस के VM 0, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट की वैल्यू हो सकती है VM 2VM। और हम ऐड करना है लोगों को, जीरो में जब VM ऐड करेंगे तो VM आएगा, VM में VM ऐड करेंगे तो VM, जीरो में VM ऐड करेंगे तो VM, माइनस VM में VM ऐड करेंगे तो जीरो, और जीरो में VM ऐड करेंगे तो VM। इस तरीके से हम लोगों को जो इनपुट सिग्नल है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जीरो में VM ऐड किया तो जीरो VM। इस तरीके से ये VM से हमारा जो एसी सिग्नल है इसको ये शिफ्ट कर देगा पॉजिटिव दिशा में, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। इसका जो स्विंग है वो सेम है, यहाँ भी जो इनपुट सिग्नल में भी, यदि मान लो यहाँ पर VM है और नीचे VM है, तो इसका जो स्विमिंग है वो 2VM है,
पर जो नीचे वाला सिग्नल है उसमें भी 2 AM है, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले सिग्नल में इसका DC वैल्यू 0 है और नीचे वाले सिग्नल में इसका DC वैल्यू प्लस के VM है। तो इसने जो DC वैल्यू हमारा 0 से VM बढ़ा दिया है, तो ये पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट है। और मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी, कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स ट्रिक्स एंड टिप्स, कि हमारे डायोड की वैल्यू इस डायरेक्शन ऊपर है तो ये हमारा ऊपर शिफ्ट कर रहा है, अर्थात ये पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट है। तो आज हम लोग इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।